आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां भी अब एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर अब सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। और इसी पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों मनोनीत हुए भारतीय जनता पार्टी के 4 नए एमएलसी को आज शपथ दिलाई गई। बता दें कि विधान भवन के राजश्री पुरुषोत्तम टंडन हॉल में यह आयोजित कार्यक्रम में शपथ विधान परिषद के सभापति यानी कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिलाई। शपथ लेने वालों में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह और गोपाल अंजान हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाजपा के 19वें स्थापना दिवस पर हुई महापंचायत में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ओम प्रकाश का भाषण बड़े ध्यान से सुना, मैंने उनसे पूरी तरह से सहमत भी हूं। उन्होंने महापंचायत में शामिल हजारों सुभाजपा और सपा कार्यकर्ताओं को देखकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यहां इस महापंचायत में पीली और लाल रंग की संयुक्त ताकत को देखकर कोई दिल्ली तो कोई लखनऊ में लाल पीला हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल के लोग चल देते हैं तो इतिहास बन जाता है, यूपी से भाजपा का सफाया बेहद जरूरी है और हम लोग बाबा साहब के साथ महापुरुषों पर चलने वाले लोग हैं, इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा है, पीछे तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। केवल ये महापंचायत नहीं चल रही है, जरा मुड़ करके देखो दाईं तरफ, दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए, अभी पीछे दिखाई पीछे, और जो हम टेंट के नीचे देखते हैं अगर, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है, ये पीला रंग, पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें, देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है,
लेकिन सोचो हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आदि ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे, जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है। तो देखिए सियासी संग्राम की यही पहचान होती है, एक के बाद एक तंजबाजी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री यानी सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में एक मॉड्यूलर ओटी का लोकार्पण करने के बाद कहा कि इन शल्य चिकित्सा कक्षाओं के प्रारंभ होने से मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और उनका अच्छी तरह से इलाज भी किया जा सकेगा। इसके बाद लाजपत भवन मोती झील में मेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में वे शामिल हुए, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं निरीक्षण में उन्होंने विभिन्न योजनाओं में लगे स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही आयोजित कार्यक्रम में तकरीबन 3,293 लाभार्थियों को 301.70 करोड़ रुपए के ऋण आवेदन स्वीकृत और वितरित किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाभार्थी और योजना से जुड़े अधिकारी समेत राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग नीलमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मेथानी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी मैं मेडिकल कॉलेज गया था, हम मॉड्यूलर ओटी का शुभारंभ करवाया और आज खास तौर से यहाँ पर एक ऋण वितरण मेला भी है, इसमें 301 करोड़ रुपए का ऋण लोगों को उद्यमियों को वितरण किया जा रहा है। विभिन्न योजना सर 2022 चुनाव को लेकर क्या क्या कहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस से तरह तरह के वादे और लुभावने वादे किए जा रहे हैं? लाली पाप है ये, कोई सच्चाई नहीं है। न तो पंजाब में दे रहे हैं, न छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, न राजस्थान में दे रहे हैं, यहाँ पब्लिक को बहका रहे हैं। सर क्या माना जाए कितनी सीटें दलियों की चुनाव में उत्तर प्रदेश जी? आपको मालूम है 300 के पार करना है। आज राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनावों में एक पंजाब राज्य भी शामिल है, जिसमें रोज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। और अब हुआ ये कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। इसका अनुमान पहले भी लगाया जा चुका है, हालांकि उन्होंने कहा कि नाम जल्द ही बताया जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन सिंह ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में हुए कामों की जानकारी दी। हालांकि अभी अमरिंदर सिंह ने यह साफ नहीं किया है कि वह पंजाब चुनाव 2022 में बीजेपी या फिर किसी और दल से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले। And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. Asi 1947 de vich asi ethe sade Punjab vich bade gadbad hoi. Phir asi 1962 de vele bhi साढ़े फोर्सिस गई पंजाब दिया, ईवन इन 48 कश्मीर दे विच गई सियाँ, वो तो बाद 65 दे विच लड़ाई साढ़े पंजाबी हुए, फिर वी हैड द ट्रबल ऑफ ब्लू स्टार तो पहला दी गल्ला ने, ब्लू स्टार तो बाद दी टेररिज्म गल्ला ने, यू हैव सीन पंजाब हैज सफर्ड, आई डोंट वॉन्ट पंजाब टू सफर्ड, देयरफॉर इट इज माई ड्यूटी, वॉज माई ड्यूटी एज चीफ मिनिस्टर टू इशू सी वॉट इज हैपनिंग, एंड जेड़ा कुछ हो रहा है ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਾਰਡਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਬਾਰਡਰ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਟੋਕ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਐਨੀਬਾਡੀ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਫਿੰਗ। I don't know what they were given, whether they were given briefing or not. But I have the figures here
ऑफ फ्रॉम डे वन टू डे नाउ. देखो इतने एसिया पहना की हों जो असी आए या उस तो पहला की गल है. ये तार के नीचे ली सुरंग सुरंग बना के ये अपने हथियार हथियूर या हैरोइन हो या कुछ कढ़ लेंदे से विचों. वो तो बाद फिर कदे कदे जब नदियां दा पानी डाउन सी बरसात तो बाद उदों उतों नदियां दे उपर दी आ जांदे सी. हुण ये जिहड़ा ड्रोन सिस्टम चलिया होया है दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमेना एंड टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग. तो जिस तरह से पंजाब की सियासत में एक के बाद एक नए सियासी अध्याय लिखे जा रहे हैं. देखिए इसकी अनुमान तो पहले लगा लिया गया था कि कैप्टन एक नई पार्टी बनाएगी. हालांकि अभी चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम नहीं किया है. सुगकाठ तो ये भी आ रही है कि हो सकता है बीजेपी से गठबंधन कर ले और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं और सूत्रों से एक और खबर आ रही है कि शायद कल अमित शाह से वो मुलाकात भी कर सकते हैं. और वहीं सर्दियों की आमद के साथ ही प्रदूषण का खतरा भी एक बार फिर से बढ़ गया है. बता दें कि कोहरे के साथ प्रदूषण मिलकर स्मॉग बनाती जो बेहद खतरनाक हो जाता है. और इसी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और इसे लेकर कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं. दरअसल प्रदूषण के हालात के देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि प्रदेश में अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेगी. इन्हें रोकने के लिए बेहद सख्ती से नए नियम लागू किए जाएंगे. इसके साथ ही नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर और प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों में पॉल्यूशन वॉर रूम बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं. तो आपको बता दें जिस तरह से 1 अगस्त 2021 को नितिन गडकरी ने कहा नियम निकाला था कि अब गाड़ियों की फिटनेस को लेकर के नियम निकाला है कि 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पे नहीं लिखेगी. और आप बता दें जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही हैं, स्मॉग की दिक्कत हो रही है और जिस तरह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है उसको लेकर के सरकार का ये बहुत बड़ा ठोस कदम है. अब सूबे में बड़े राज्यों में सूबे के बड़े जिलों में माफ कीजिएगा महानगरों में दिल्ली एनसीआर में भी अब पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी और इसको लेकर के वॉर रूम भी तैयार करने को कहा गया है. अब देखना ही होगा क्या जनता पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है. सवाल ये भी है और देखना ये होगा कि कितना प्रदूषण जो है वो कम हो पाता है. तो सियासी हलचल में सियासत से जुड़ी खबरों पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत. आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारी आईडी है @jmdnewsflash.